नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू क्रिएटिविटी विद अंजू में आपका स्वागत है। और आज फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ मैं। और यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड और इस तरह से वेस्ट जो मेरे पास रखे हुए हैं मिरर, इनसे कुछ बनाने वाली हूँ और उसी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के कुछ पीसीज ना मेरे पास रखे हुए हैं, मतलब जैसे पास में ही हमारे यहाँ पर जो शीशे की है जो शॉप, वहाँ पर रहते हैं वेस्ट में, तो मैंने वहाँ से ले लिए। और इस तरह के मेरे पास कई पीसीज हैं, तो मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि इनका कुछ ना कुछ बनाऊँ। तो आज मैं एक जो इनमें से है उन्हीं का ही बना रही हूँ। अभी मेरे पास और भी हैं, तो सोचूंगी उनके बारे में भी कुछ ना कुछ बनाना अच्छा सा। पर लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो मैंने कार्डबोर्ड लिया है मैं उसे मेजर कर लूँगी इस तरह से, और दोनों साइड से मैं कुछ यहाँ पर इक्वल इक्वल कर लूँगी बराबर। जो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसे अलग निकाल दूँगी, और जो इसमें यूज में लेने वाली हूँ उसे मैं मार्क कर लूँगी। इस तरह से मार्क करने से ना एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना बाहर की तरफ रखना है। और जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने दो लिए हैं कार्डबोर्ड के टुकड़े, जिन्हें मैं एक साथ पेस्ट कर दूंगी ताकि ये और मजबूत हो जाए। अच्छे से फेविकोल लगाकर उसे यहाँ पर अच्छे से पेस्ट करना है ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। और इस तरह से ना इसे चिपकाने के बाद क्या करूँगी, मैं इस पर थोड़ा सा वेट रख दूँगी, कुछ भारी सा ऐसे ही वेट रख देना है ताकि वो अच्छे से मजबूती से चिपक जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने ये इस तरह के छोटे छोटे से पत्थर लिए हैं, जिन्हें हम रोड़ी भी बोलते हैं, जो हमारे मकान बनाने में काम में आती हैं। तो ये भी मुझे अपने यहीं पर मिल गई। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, थोड़ी छोटी छोटी निकाल लूँगी। और अभी ये काफ़ी गंदी है तो मैं इन्हें क्या करूँगी, पहले वॉश कर लूँगी, वॉश करके पहले इन्हें सुखा लूँगी। तो इससे पहले, ये सूखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसे कार्डबोर्ड को अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है चारों तरफ से जो पार्ट एक्स्ट्रा था। और अभी मैं ये मिरर नहीं लगाऊँगी, सबसे पहले मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि कुछ इस तरह से मैं इन्हें यहाँ पर लगाने वाली हूँ। और ये मैंने यहाँ पर वॉश करके सुखा लिए हैं और ये सूख गए हैं। और यहाँ पर मैंने इसके लिए ज़्यादा कुछ सामान बाहर से नहीं लिया है, सिर्फ हाँ ये पकड़ने के वाले जो हैंडल हैं ये लेके आई थी मैं। और यहाँ पर इन्हें भी मैं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो होल है अंदर की तरफ, इसमें पेच भी है, मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लूँगी ताकि वो आसानी से हो जाए। तो उससे क्या होगा ना, वैसे तो हम इसे चिपका भी सकते हैं, मैं पेस्ट भी करूँगी साथ के साथ, और पहले पेच से इसे कस लूँगी ताकि ये ज़्यादा मजबूत रहे। अगर हम इसे पकड़ें तो ये निकले ना या टूटे ना कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से मैं अच्छे से इसे कर लूँगी। इस तरह से मैंने इन्हें मजबूती से कस लिया है, लगाने के बाद कुछ इस तरह से हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने पानी और फेविकोल मिला के थोड़ा सा एक पेस्ट बनाया है, जो मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर है उसे लगाने वाली हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो साइडों में थोड़ा सा ऊंचा नीचा, मतलब जैसे मैंने ये कार्डबोर्ड काटा है तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और इससे क्या होता है ना फिनिशिंग भी हो जाती है और ये बहुत आसानी से लग भी जाता है। बस सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर हल्के ब्रश से करना है, थोड़ा गीला करके, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा से क्या होता है ये फट जाता है, ये बहुत ही स्मूथली हो जाता है और उससे क्या होता है फिनिशिंग सी आ जाती है जो भी हम चीज़ करते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे चारों तरफ यहाँ पर लगा लिया। और अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे लगा के देख रही हूँ कि इस तरह से बीच में ये फिट हो जाएगा। अभी जो मैं आपको इस तरह से वो लगा के दिखा रही थी, तो इनको लगाने से पहले मैं क्या करूँगी, जो ये हैंडल हैं इनको यहाँ पे हटा लूँगी। पहले तो मैंने ऐसे ही एडजस्ट करके देखे थे कि अच्छे से हो गए या नहीं। और ये जो मैंने पेच इस तरह से लगाए थे ना, थोड़े नीचे की साइड लंबे थे, तो उससे एक फ़ायदा और भी हो गया मेरा, थोड़े ही नीचे की तरफ बड़े हैं तो उससे एक स्टैंड भी बन गया, मतलब बिल्कुल नीचे टच नहीं हो रहा था, थोड़ा गैप होके एक स्टैंड की तरह काम कर रहे हैं ये। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, फेविकोल लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर फेविकोल लगा के इन्हें पूरा अच्छे से चिपकाने वाली हूँ। क्यों, पहले तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ऐसे ही जो पुट्टी वगैरह होती है ना वाइट कलर की, उसमें अच्छे से मिक्स करके लगा दूँ, पर उससे इतनी अच्छी नहीं लगती और ना ही अच्छे से चिपक पाती। अब फेविकोल लगा के तब उसके ऊपर जब करूँगी एक बेस बना के, तो उससे और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। और मैं ना बहुत टाइम से अपनी वीडियो बना नहीं पा रही थी, कभी समय का इशू हो जाता था, तो कभी बीच में मैं एक बार बीमार हो गई, तो कई दिन मुझे ऐसे ही निकल गए बीमारी में, और अब जाके मैं अपनी वीडियो बना पाई हूँ।
और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा फेविकोल मिला के और जो ये वॉल पुट्टी होती है उसे मिक्स कर लिया है पानी में तीनों को अच्छे से। और मैं वो करने वाली हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले बेस बनाने के लिए आप वाइट कलर या इसी का यूज करें। उससे क्या होगा, हम जो भी और ऊपर से कलर करते हैं वो बहुत अच्छे से आता है, उसमें बहुत एक साइन सी आ जाती है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा साइडों से भी लगा लिया, वहाँ से अच्छा नहीं लग रहा था जो भी बचा था, चारों तरफ मैंने इस तरह से अच्छे से लगा लिया। और अब ये मैंने सुखा दिया, सूखने के बाद देखिए काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पर मेरे पास एक जो स्प्रे है गोल्डन कलर की, मैं वो यूज करने वाली हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसे स्प्रे से कर दूँगी गोल्डन कलर। और बस अब यहाँ पर थोड़ा ही काम और बचा है, और बीच में मैं फेविकोल और मेरे पास फेवी बॉन्ड है, मैं उसका भी यूज करने वाली हूँ ताकि अच्छे से जो मैं यहाँ पर वो मिरर लगाऊंगी ना वो अच्छे से चिपक जाए। और आप चाहे तो इसमें इस तरह से कोई और भी डिज़ाइन बना के कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाली है। और अगर आप मार्केट से ये लेंगे, मैंने ऑनलाइन भी देखा था, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है और देखने में तो इतनी सुंदर लगती है और एक्सपेंसिव भी लगती है। और जो हम आराम से अपने घर पर सिंपल और बिना किसी खर्च के, ज़्यादा खर्च के बना सकते हैं। यदि आपके पास कुछ इस तरह के घर में हमारे हुर रखे रहते हैं या कहीं से जैसे मिल भी जाते हैं, किसी चीज़ में निकल आते हैं इस तरह के शीशे भी, तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना कुछ अलग तरीके से, चाहे अगर आपके पास सर्कल में है या कोई और भी शेप में है तो आप उसमें भी अच्छे से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सेम ऐसा ही बनाएं। और यहाँ पर हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे तो सर्विंग ट्रे की तरह से भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो एक डेकोर ट्रे की तरह से भी यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे दोनों अच्छी लगी, लेकिन मुझे डेकोर आइटम की तरह इस तरह से शो में ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ही प्यारी लगी। फ्री में ही मेरी ये बनकर तैयार हो गई। और आपको अगर पसंद आई हो तो आप भी ज़रूर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर कर देना, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर देना। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इसे बना के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।